तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहते हैं कि ये बेसिकली पोटेंशियोमीटर की थियरी से रिलेटेड है, और अगर आप पोटेंशियोमीटर की थियरी पढ़े हो तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ सेल। ठीक है। ईएमएफ सेल मतलब पोटेंशियल, जो ईएमएफ है वो सेल की ईएमएफ है, उसको हम वैल्यू निकालते हैं। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पोटेंशियल, स्मॉलेस्ट पोटेंशियल दैट कैन मेजर बाय पोटेंशियोमीटर, दैट कैन मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है। तो ये जो पूरा डिवाइस है, छोटा से छोटा वोल्टेज जो मेजरमेंट करेगा, छोटा से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करेगा, तो उसको हम बोलेंगे ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा अच्छा है, कुल मिला गया, सीधी सीधी भाषा में बोलो ना। ठीक है। तो ये किन बात पर डिपेंड करता है? तो थियोरी में आप पढ़े होंगे कि सेंसिटिविटी जो है, ये जो सेंसिटिविटी है, इट विल इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट के की वैल्यू डिक्रीज करते हो तो सेंसिटिविटी जो होता है, सेंसिटिविटी वो इंक्रीज होता है। ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ऑफ वायर ए बी डिवाइड पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, बी ऑप्शन गलत है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, सी ऑप्शन सही है। तीसरी बात पे ये डिपेंड करता है, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर। अगर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर, इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर, अगर वायर की लेंथ इंक्रीज करोगे तो सेंसिटिविटी जो होता है वो इंक्रीज होता है, सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज होता है। तो देखो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ए ऑप्शन भी सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तीसरी है कि और भी पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो थर्ड जो पॉइंट है वो ये है, थर्ड पॉइंट पे डिपेंड करता है बाय रिड्यूसिंग करेंट, बाय डिक्रीजिंग इन करेंट, डिक्रीज करेंट। ठीक है। सेंसिटिविटी इंक्रीज होता है, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो, क्योंकि करंट की वैल्यू जैसे जैसे कम करोगे तो वैसे वैसे जो है के की वैल्यू कम होने लगेगी। यार समझ ना, ये के की वैल्यू कम होने लगेगी, तो के की वैल्यू कम होने लगी तो सेंसिटिविटी बढ़ने लगेगी, समझ रहे ना। क्योंकि यहाँ से के इज इक्वल टू वी ए अपॉन एल है, तो वी ए इज इक्वल टू आई रेजिस्टेंस ए बी अपॉन एल है। अगर यहाँ से करंट की वैल्यू कम करोगे, ठीक है, तो के की वैल्यू कम होने गई, के की वैल्यू कम होगी तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये यहाँ से ये तीन ये सब बातें रही, तो इस हिसाब से ए और सी सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।